नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। वन प्लस का फोन रखते हैं, पबजी मोबाइल के शौकीन हैं। अगर दोनों सवालों का जवाब हाँ है तो आपके लिए मेरे पास एक अच्छी खबर है। वन प्लस ने ऐलान किया है कि 6 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक चुनिंदा वन प्लस फोन पर पबजी मोबाइल 90 FPS पर चलेगा। चाइना, जापान और कोरिया को छोड़कर दुनिया भर में लागू रहेगा। अभी ये केवल वन प्लस के लिए है और एक महीने के लिए ही है। FPS बोले तो फ्रेम रेट पर सेकेंड। इससे पहले कि इसको डिटेल में बताएं कि ये क्या भला है, मोटे तौर पर ये समझें कि इन फोन पर पबजी मोबाइल अब और भी ज्यादा मक्खन की तरह चलेगा। अभी तक पबजी सिर्फ चाइना में ही 90 FPS पर चलता था और बाकी पूरी दुनिया में 60 FPS पर। अब ये FPS या फ्रेम पर सेकेंड है क्या? पहले सिनेमा हॉल में रील से मूवी चलती थी, लाइट के सामने पिक्चर रील बड़ी तेजी से निकलती थी जिससे पर्दे पर वीडियो दिखता था। मोबाइल पर भी जब आप एक वीडियो क्लिप देखते हैं तो आप असल में बहुत सारे फोटोज देख रहे होते हैं जो बहुत ही तेजी से बदल रहे होते हैं। एक सेकंड में जितने फोटो या फ्रेम बदलते हैं उसी को फ्रेम रेट या फिर फ्रेम पर सेकंड कहते हैं। जितना ज्यादा फ्रेम रेट उतना स्मूथ वीडियो। एनिमेशन वाली फिल्मों में ये फर्क और भी ज्यादा पता चलता है और गेमिंग में फ्रेम रेट जमीन आसमान का फर्क पैदा कर देता है। गेमिंग में फ्रेम रेट आप खुद चेक कर सकते हैं। पबजी मोबाइल खोलिए, सेटिंग में जाइए और फिर ग्राफिक्स में। अब फ्रेम रेट में जाकर फ्रेम रेट को बदल बदल कर गेम खेल कर देखिए। एक बार एक्सट्रीम सेटिंग पर गेम खेलने के बाद बाकी सारी सेटिंग पर आपको गेम फंस कर चलता हुआ सा ही लगेगा। जब गेमिंग फोन, गेमिंग लैपटॉप या फिर गेमिंग मॉनिटर की बात आती है तो रिफ्रेश रेट जैसी चीजें बड़ी सुनने में मिलती हैं। अब तो फ्लैगशिप फोन और कुछ मिड रेंज फोन भी हाई रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन दे रहे हैं। कॉमन स्क्रीन रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज होता है, यानी एक सेकंड में स्क्रीन 60 बार बदलती है। 90 हर्ट्ज वाली स्क्रीन एक सेकंड में 90 बार रिफ्रेश होती है और ऐसे ही 120 हर्ट्ज वाली स्क्रीन एक सेकंड में 120 बार रिफ्रेश होती है। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि FPS और स्क्रीन का रिफ्रेश रेट तो लगभग एक जैसी ही चीजें हैं। FPS यानी कि एक सेकंड में कितने फ्रेम है और रिफ्रेश रेट यानी कि एक सेकंड में कितनी बार स्क्रीन बदलती है। 90 FPS वाला गेम खेलने के लिए ऐसी स्क्रीन होनी चाहिए जो हर सेकंड में कम से कम 90 बार बदले, यानी कि 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हो। इसलिए OnePlus के सिर्फ उन्हीं फोन पर पबजी 90 FPS में शुरू हुआ है जो 90 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ आते हैं, जैसे कि OnePlus 8 सीरीज, OnePlus 70 सीरीज और OnePlus 7 सीरीज। वैसे देखा जाए तो OnePlus Nord भी 90 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ आता है, लेकिन Nord फ्लैगशिप फोन नहीं है। इसका प्रोसेसर ऐसे ही इतना हाई ग्राफिक्स नहीं सपोर्ट करता जितना प्रीमियम फोन करते हैं। रिफ्रेश रेट की तो बात बाद में आती है। अब रिफ्रेश रेट और फ्रेम रेट की बात चल रही है तो एक बात और हो जाए। अगर आपके फोन में रिफ्रेश रेट FPS से भी ज्यादा हो तो मान लीजिए आपके फोन का डिस्प्ले 120 हर्ट्ज वाला हो और जो गेम आप खेलने वाले हैं वो 60 FPS वाला ही हो, तब क्या होगा? तब गेम अपने असली FPS पर ही चलेगा। एक भैंस अगर 5 लीटर दूध देती है तो वो 5 लीटर ही देगी, उसको फर्क नहीं पड़ता कि आप बाल्टी 5 लीटर की लाओ या 20 लीटर की। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी फैसल ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी ललन टॉप।